रांची से बड़ी खबर आ रही है। बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया गया है। कर्नल जेके सिंह समेत जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 5 मोबाइल चार्जर समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। औचक निरीक्षण के बाद जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। बाल सुधार गृह के बच्चों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है। तो जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि 5 मोबाइल चार्जर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने ये औचक निरीक्षण किया है। तो बाल सुधार गृह में बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भी दी गई है और इस छापेमारी में 5 मोबाइल चार्जर समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया गया। कर्नल जेके सिंह समेत जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। इस घर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, बाल सुधार गृह में औचक निरीक्षण किया गया है और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। देखिए बिल्कुल अमन, जिस तरह से लगातार बाल सुधार गृह में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से या फिर ऐसे जहाँ पर लगातार ये बातें सामने आती रहती है कि नशीले पदार्थ और मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, इसी सूचना के बाद औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान रांची पुलिस, जिला प्रशासन और कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में ये पूरी छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी से पहले जो बाल सुधार गृह के जो बच्चे हैं उनको सीबीएस को श्रद्धांजलि दी गई। पिछले दिनों जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिस तरह क्षति हुई थी उसके बाद श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद पूरे कैंपस पर जब औचक निरीक्षण किया गया तो 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, कई चार्जर फोन बरामद किए गए हैं, इनके अलावा डाटा केबल और जो नशीले पदार्थ है कुछ ये बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जब्त कर फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि ये सारी चीजें अंदर जो है वो किस तरह से प्रवेश किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों में जब भी छापेमारी की जाती है तब बाल सुधार गृह से मोबाइल फोन जो है वो बरामद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अंदर क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर के जेके सिंह ने स्पेशल टीम के माध्यम से आने वाले दिनों में फिर से छापेमारी की जाएगी और उन बच्चों के बैग से जहाँ से बरामद किए जाते हैं उन बच्चों से भी पूछताछ की जा सकती है कि आखिर ये मोबाइल फोन जो है वो कैसे वहां तक उसके साथ पहुंचा है। तो तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल छापेमारी से एक तरह से क्या है तो हड़कंप मच गया था। बच्चों को छापेमारी से दूर रखने के लिए जो नए तरीके का जो प्लान है वो तय, पहले बच्चों को बाल सुधार गृह के अंदर में उरी मूवी दिखाई गई, उरी मूवी में सभी को व्यस्त कर दी और सभी बैरक और दूसरी जगह पर जहाँ पे बच्चे रहते हैं इन जगहों पर तलाशी ली गई जहाँ से ये सारे चीजें जो है वो बरामद किए गए जिससे 5 मोबाइल फोन भी शामिल है। जी इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठता है कि किस कैसे ये मोबाइल और ये चार्जर और बाकी सामान जो है वो कैसे बाल सुधार गृह के अंदर पहुंच रहा है, इस पर जांच का विषय है और इसी पर प्रशासन जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।